अमेरिका अपना अगला राष्ट्रपति चुनने वाला है और इस इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में अमेरिकन वोटर्स अभी तक उनको देख के समझ के परख के अभी तक उनका मन नहीं बन पाया है। वैसे अगर आज के आंकड़े देखें तो करीब 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने वोट्स डाल दिए और कैसे डाल दिए, क्योंकि अमेरिका में अर्ली वोटिंग का एक कल्चर है। इसका मतलब ये होता है कि जो पोलिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस अमेरिका वो पहले खुल जाते हैं। हर स्टेट के कुछ अलग अलग डेट्स होती है, जैसे कई जो स्टेट्स थे वहां पे सितंबर से आप अर्ली वोटिंग सेंटर में जाके अपना वोट डाल सकते थे। फिलहाल उसके अलावा एक मेल इन बैलेट का कल्चर भी अमेरिका में है, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके घर पे एक पोस्टल बैलेट आए, आप उसको भरे और वो सिक्योर तरीके से आपके वोटिंग सेंटर में चला जाता है। तो 50 मिलियन अमेरिकन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वोट कर दिया और करीब करीब और 60 से 70-80 मिलियन के आसपास ऐसे अंदेशा है कि लोग जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाले हैं या आने वाले 2 दिनों में वो वोट डालने वाले हैं। ये चुनाव ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्लोज है। अमूमन तौर पर यह होता है कि जो पोलिंग होती है वो बता देती है कि चुनाव में कौन आ गया है। मसलन के तौर पर 2020 में इस समय प्रेसिडेंट बाइडेन ट्रंप से 4 या 5 पॉइंट आगे चल रहे थे और जब चुनाव हुए तो प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन इस बार काफी उतार चढ़ाव के बाद हमने ये देखा है कि अभी तक कोई भी पोल ये नहीं कह रहा है कि कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आगे है, क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे है या वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। और इसी वजह से जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है और जो स्विंग स्टेट्स है इस पे पूरा दारोमदार है। और मैं आपको बता दूं, ये बैटल ग्राउंड स्टेट और स्विंग स्टेट इस तरह की चीजें, ये चाहे जो वर्ड्स हैं, ये आप बहुत सुनने वाले हैं अगले 2 दिनों में। तो अमेरिका के 50 स्टेट्स में से काफी ऐसे स्टेट्स हैं जो एक पार्टी का गढ़ है। मसलन के तौर पे कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन स्टेट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, ये सारे स्टेट्स हमेशा से ही डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को सपोर्ट करते रहे हैं। वैसे ही अगर आप नाम लें टेक्सास, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, फ्लोरिडा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो एक रिपब्लिकन कैंडिडेट के गढ़ हैं। तो यहाँ पे तो एक अंदाजा होता है हर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कि वो ये स्टेट्स तो पक्का जीत जाएंगे। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं जो हर चुनाव में अपना रुख बदलते हैं, अपना एक अलग, उनका एक अलग सोच होती है, वो जो स्टेट्स हैं वो ऐसे करीब 7 स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और कई हद तक अब से पहले माना जाता था कि फ्लोरिडा भी है, वो भी एक स्विंग स्टेट हो सकता है। इस चुनाव में अभी तक ये समझ में आ रहा है पोस्टर्स को कि मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में, एरिजोना में और जॉर्जिया में, यहाँ पे इलेक्शन बहुत क्लोज है। और इसी वजह से हमने देखा कि जो दोनों राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, वो दोनों के दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन स्टेट्स का आखिरी 3 दिनों में दौरा करें। प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी एरिजोना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन के दौरे लगातार कर रही है, क्योंकि वहां पे जो इलेक्शन है कई चंद हजार वोटों से हारा या जीता जाएगा। जो भी कैंडिडेट 270 इलेक्ट्रल वोट्स ले जाएगा उसे बहुमत मिल जाता है और वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बन जाएगा। 2020 में प्रेसिडेंट बाइडेन के पास 302 इलेक्ट्रल वोट्स थे और इसी की वजह से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बहरहाल इलेक्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, अभी तक कोई ये नहीं बता पा रहा है कि कौन जीतेगा। और इसमें भारतीय अमेरिकन वोटर्स का, उनका भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अनडिसाइडेड या इंडिपेंडेंट वोटर्स के कैटेगरी में आता है। और इसलिए हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों कैंपेन्स ये कोशिश कर रही है कि इंडिग्नेंट अमेरिकन वोटर्स को सॉलिडिफाई किया जाए, उनसे उन्हें मनाया जाए कि वो उनके कैंडिडेट के लिए वोट करें। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना और जॉर्जिया में इंडियन अमेरिकन इतना उनकी संख्या है कि अगर वो एक कैंडिडेट को बैक करें तो वो सचमुच इलेक्शन को स्विंग कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि किस तरह से दिवाली के दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ट्वीट जारी किया और उस ट्वीट में हिंदू अमेरिकन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, हिंदू अक्रॉस द ग्लोब को प्रोटेक्ट करने की बात की, भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप के संबंध अच्छे हैं, इस तरह की बातें प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। वहीं एक सर्वे के मुताबिक करीब 52% भारतीय अमेरिकन डेमोक्रेट को इस चुनाव में समर्थन दे रहे हैं और ये नंबर कम है।
जो बाइडेन के लिए करीब 72% भारतीयों ने प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए वोट किया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो जो तबका है जो अपने आप को डेमोक्रेट नहीं मानता है और जो हट गया है डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो इस रेस फॉर द व्हाइट हाउस के लिए बहुत बड़ी की हो सकता है, उनका वोट निर्धारित कर सकता है। इफ नॉट ऑल स्विंग स्टेट्स, लेकिन कुछ स्विंग स्टेट्स में उनका जो वोटर बेस है वो डिसाइड कर सकता है भारतीय अमेरिका का कि अगला अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अमेरिका से हम अपनी कवरेज लगातार जारी कर रखेंगे। फिलहाल रोहित शर्मा, वॉशिंगटन डीसी से आज तक।